हाई एवरी वन आई एम हियर टू ब्रिंग अप अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल न्यूट एस्परेंट्स टू आर एजुकेशन मिनिस्टर सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू योर मिनिस्ट्री सिंस दे है नेशन वन टेस्ट जो इम्प्लीमेंट किया है आपकी गवर्नमेंट ने वो बहुत ही सराहनीय कदम है मैं खुद भी एक मेडिकल एस्परेंट रहा हूँ और जो प्रॉब्लम्स हम लोग अपने टाइम पर फेस करते थे वो आजकल बच्चों को फ़ेस नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि हम लोगों के टाइम पर डिफरेंट कम्पटिव एग्ज़ाम्स थे कोई प्रस्क्राइब सिलेबस नहीं था कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे तो पेरेंट्स भी परेशान होते थे बच्चे भी परेशान होते थे इन सब चीज़ों से आपने हम लोगों को निजात दिला दी है इस समय बस एक ही एग्ज़ाम है उसका भी प्रस्क्राइब सिलेबस है जो हम लोगों को फॉलो करना है उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद

और डेट तो छोड़िए सर हमें अभी तो पैटर्न भी नहीं पता है मैं फॉर्मेट क्या होगा वो भी दैट ऑल्सो वी डोंट नो वेदर इट विल बी ऑन ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दैट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर सर प्लीज़ इस डाउट को क्लियर करिए बिकॉज इन द सेम सरकमस्टेंसेस आई नो ये थोड़ा सा टफ़ है किसी भी डिसीजन पे पहुंचना जिस तरह से हम लोग डिमांड कर देते हैं आपके लिए थोड़ा उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना सबके लिए हर तरह से सब सेटिस्फाइड हो थोड़ा सा मुश्किल काम है बट सर इन द सेम सरकमस्टांसिस आपने जेई मेंस जेई एडवांस क्लैट यूपीएससी प्रीलिम्स इन सभी की डेट अनाउंस की है और इन सभी का फॉर्मेट भी वेल इन एडवांस क्लियर हो चुका है तो इनके जो भी प्रिपरेशन जो लोग स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है बट जो नीट एस्पिरेंट्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अभी तक फॉर्मेट ही नहीं पता है सर कि क्या फॉर्मेट होने वाला है और जो रिड्यूस सिलेबस है सर उसके अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चंस आने हैं क्या आना है ये सब भी अभी क्लियर नहीं है आपकी मिनिस्ट्री से कुछ इंफॉर्मेशन आती है तो वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट की जाती है जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो सर माई हम्बल रिक्वेस्ट माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू योर मिनिस्ट्री टू यू योर गवर्नमेंट इज़ दैट प्लीज़ क्लियर दिस डेलेमा बिकॉज मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे वो काफ़ी परेशान हैं उनके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं सो प्लीज़ दिस इज़ आर जेनविन कंसर्न प्लीज़ डू कंसिडर एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल वी आर वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ इट इज़ इट इज़ बींग रिजॉल्व वेरी सून सो थैंक यू सर आई होप इट विल बी डन वेरी क्विकली और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है अगर ये आपको सही लग रहा है डिमांड आपकी सही लग रही है मेरे थ्रू जो पहुंच रही है तो प्लीज़ इस चैनल इस वीडियो को लाइक करिए इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारी बात मिनिस्ट्री तक प्रॉपर वे में कन्वे हो सके थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे